विजय देवरकोंडा जो कि साउथ इंडस्ट्री के वन ऑफ द हैंडसम एंड डैशिंग एक्टरों में से एक हैं, जो जाने जाते हैं अपनी रोमांटिक ब्लॉकबस्टर मूवियों के लिए, जैसे कि गीता गोविंदम, डियर कॉमरेड और वर्ल्ड फेमस लवर जैसी इन्होंने धमाकेदार फिल्में दी हैं, जो कि साउथ ऑडियंस में ही नहीं हिंदी ऑडियंस में भी बवाल मचा चुकी है। तो अब विजय देवरकोंडा की आने वाली है रोमांटिक के साथ साथ एक्शन भरी फिल्में। अब ये फिल्में कौन सी होने वाली है उन सबको जानने के लिए तो आपको कारोबार की तरह एक छोटा सा ही काम करना है, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, तो यार कर दो प्रेस। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। विजय देवरकोंडा की जो पहली फिल्म है वो होने वाली है लाइगर। लाइगर एक एक्शन स्पोर्ट ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं पुरी जगन्नाथ, जिसके लीड रोल में आपको नजर आने वाले हैं विजय देवरकोंडा और उनके अपोजिट आपको नजर आएंगी अनन्या पांडे। साथ ही साथ आपको इसमें नजर आने वाले माइक टाइसन, जो कि हॉलीवुड के कलाकार हैं और काफी बड़े बॉक्सर भी रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म का एक ग्लिम्स लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है एक चाय वाला यानी कि छोटे घर से बिलोंग करता है लड़का, जो कि अपना करियर बनाना चाहता है बॉक्सिंग में, जो है आपके विजय देवरकोंडा। जी हाँ दोस्तों, अब ये अपना करियर बना पाएगा या नहीं बॉक्सिंग में, ये सारी चीजें इस फिल्म में दिखाई जाने वाली है, जिसका ग्लिम्स काफी ज्यादा इंप्रेसिव था। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। आपको तो इस फिल्म को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कर रहे हैं करण जौहर, जिसे धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया जा रहा है, जिसे रिलीज किया जाएगा 25 अगस्त 2022 में ही दोस्तों, जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होने वाली है। विजय देवरकोंडा की नेक्स्ट फिल्म है सुकुमार के साथ एक अनटाइटल्ड रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिस फिल्म को कुछ लोग आर्या 3 के नाम से भी जान रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं अभी इस फिल्म का जो टाइटल है वो पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन ये फिल्म काफी दिन पहले अनाउंस कर दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म को पहले काफी जल्द भी रिलीज किया जाता था, लेकिन कोरोना के चलते ये फिल्म काफी ज्यादा डिले हो गई। और आपको तो पता है सुकुमार अपनी हाल फिलहाल में आई फिल्म पुष्पा, जो कि मैसिव ब्लॉकबस्टर गई है, उसके लिए काफी जाने गए हैं। जी हाँ दोस्तों, और वो अपनी पुष्पा 2 में ही लगे हुए हैं शूट पे, देन उसके बाद ही वो इस फिल्म को करने वाले हैं स्टार्ट। जिस फिल्म को प्रोड्यूस जो कर रहे हैं वो केदार सगन सेट्टी कर रहे हैं और इस फिल्म को जो बनाया जाएगा वो फैल्कन क्रिएशन के बैनर तले बनाया जाएगा, जिस फिल्म को मेरे हिसाब से तो 2022 में रिलीज नहीं किया जा सकता दोस्तों, क्योंकि भाई दोनों ही बिजी हैं, क्योंकि एक और विजय देवरकोंडा की फिल्म हाल फिलहाल में अनाउंस हुई है, वो मैं आपको आगे बताता हूं। तो क्या आपको लगता है ये फिल्म 2022 में आ पाएगी या नहीं, तो मैं आपको बता दूं मेरे हिसाब से तो ये फिल्म आपको 2023 के एंड तक ही देखने को मिल पाएगी दोस्तों। विजय देवरकोंडा की नेक्स्ट फिल्म एक अनटाइटल, जिसे आप VD12 भी कह सकते हो दोस्तों, जो कि रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे शिवा निर्वाणा, जिन्होंने मंजिली जैसी ब्लॉकबस्टर रोमांटिक फिल्म बनाई थी। जी हाँ दोस्तों, जिसके लीड रोल में आपको नागा चैतन्य नजर आए थे। आपको बता दें इस फिल्म को भी यही डायरेक्ट कर रहे हैं और इसके लीड रोल में भी आपको विजय देवरकोंडा ही नजर आने वाले हैं। और इस फिल्म को जो प्रोड्यूस करेंगे वो करेंगे दिल राजू, जो कि साउथ इंडस्ट्री के काफी बड़े प्रोड्यूसर हैं और इनको तो हर कोई जानता है, क्योंकि भाई साउथ की काफी सारी फिल्में इन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस की गई हैं, जो काफी बड़ी बड़ी हैं। आपको बता दें इस फिल्म को जो रिलीज किया जा रहा था पहले 2022 के मई में किया जा रहा था, बट कोरोना आया और ये फिल्म भी अपनी समय से काफी ज्यादा डिले हो गई, तो ये फिल्म भी आपको 2022 के एंड में या 2023 की शुरुआत में ही देखने को मिल पाएगी दोस्तों। विजय की नेक्स्ट फिल्म है जनगण मन, जो कि एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्ट करेंगे पुरी जगन्नाथ और ये दूसरा कोलैबोरेशन होने वाला है पुरी जगन्नाथ के साथ विजय का। जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते हो इससे पहले लाइगर में वो दोनों साथ देखने ही वाले, और ये ना ड्रीम प्रोजेक्ट है वैसे तो पुरी जगन्नाथ का, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी बार अनाउंसमेंट की। सबसे पहले वो महेश बाबू के साथ इस फिल्म का अनाउंसमेंट कर रहे थे, जी हाँ, जो डेट ना मिल पाने की वजह से नहीं हो पाया। फिर उसके बाद वो यस यानी कि आपके KGF रॉकी भाई के साथ भी इस फिल्म का अनाउंसमेंट करने वाले थे, लेकिन इनके साथ भी इनका ये प्रोजेक्ट नहीं बन पाया। लेकिन फाइनली अब इस फिल्म का ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिसका एक मोशन पोस्टर भी लॉन्च किया गया है, जिस फिल्म के अंदर आपको विजय देवरकोंडा पहली बार एक सोल्जर के रोल में नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और कैसे कैसे भाई सोल्जर सीमा पर क्या करते हैं वो सारी चीजें इस फिल्म के अंदर दिखाई जाने वाली है, और विजय देवरकोंडा फुल मूड में है एक्शन के अब तो, क्योंकि उससे पहले वो लाइगर एक्शन वाली ला रहे हैं, देन उसके बाद ये भी एक्शन की होने वाली है। और आपको बता दें ये फिल्म जो प्रोड्यूस की जा रही है वो की जा रही है पुरी जगन्नाथ के खुद के द्वारा, और साथ में कर रहे हैं वास्मी पेडापल्ली। और आपको बता दें इस फिल्म को जो रिलीज किया जाएगा वो पैन वर्ल्ड लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है, ना कि पैन इंडिया। तो आपको बता दूं इस फिल्म को जो रिलीज किया जाएगा वो 3 अगस्त 2023 को किया जाने वाला है सिनेमा घरों में। तो भाई ये फिल्म काफी बड़े बजट और काफी बड़े एक्शन की होने वाली है। विजय की नेक्स्ट फिल्म होने वाली है हीरो, जो कि एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे आनंद अन्ना मलाई। आपको बता दें इसके लीड रोल में आपको विजय देवरकोंडा नजर आएंगे, उनके अपोजिट आपको मालविका मोहनन नजर आने वाली है। साथ ही साथ कॉमेडी का तड़का देने के लिए आपको वेनिला किशोर भी दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर। और आपको बता दें इस फिल्म का अभी तक कोई अपडेट निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि ये फिल्म भी 2022 में
में रिलीज होनी थी दोस्तों, लेकिन भाई कोरोना ने अच्छी अच्छी फिल्मों की ले ली, तो उनमें से ये भी है जिस फिल्म को बनाया जाएगा मैत्री मूवी मेकर के बैनर तले, जो कि 2022 में रिलीज होनी थी, लेकिन अब मैं नहीं जानता ये कब तक रिलीज हो पाएगी, ना ही इसकी कोई नई अपडेट मिल पा रही है दोस्तों। तो यही थी विजय देवरकोंडा की आने वाली 5 फिल्में, इनमें से कौन सी फिल्म का आपको बेसब्री से इंतजार, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।